पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख रही मन पानी रा
पाने सब सो पाने बिना नौ करे मोती मानस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा सद्गुरु श्री साई शरण में रख लो साईं
शरण में रख लो साई, शरण में रख लो साई। Thank you.
साईनाथ महाराज की जय। बाबा सदैव आपके साथ रहे, सदैव आपका मार्ग दर्शन करते रहे, सदा उनकी छत्र छाया आप पर बनी रहे, दुख आपसे बहुत बहुत दूर रहे और सुख हमेशा आपके पास रहे। मन में दुविधा का उत्तर जल्दी मिल जाए, सुविधाओं की कोई कमी ना रहे, मन में करुणा विवेक और प्रेम का उद्भव हो। आप उपयोगी बनते बनते योग को प्राप्त करें, कोई भी अपूर्णता कभी आपके अंदर ना हो, यही इस कथा का हेतु है, यही इस कथा का मर्म है और यही इस कथा का ध्येय है। ज्यों ज्यों हमारे जीवन में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, यूं देखने में आता है कि सुख कम होता जा रहा है। हम लोग सुविधाएं जुटाने की फिराक में सुख को खोते जा रहे हैं। दरअसल गलती उस सोच की है जिससे ये लगता है कि सुविधाओं से ही सुख मिलेगा, जबकि दोनों का कोई आपस में रिश्ता है ही नहीं। सुख परम सत्य है, हमेशा चलने वाला है, कभी उसका क्षय नहीं होता। सुविधाओं का क्षय हो जाता है और इसीलिए जब हम अपने सुख को सुविधाओं से जोड़ते हैं तो सुख सुविधाओं पर आश्रित हो जाता है, और जब सुख किसी ऐसी चीज पर आश्रित हो जाता है जिसका खात्मा तय है तो सुख भी दुख में बदल जाता है। सुविधाएं जुटाइए, बहुत जुटाइए, उसमें मनाही नहीं है, खूब मेहनत करिए, खूब धनोपार्जन कीजिए। कोई कथाकार यदि आपसे ये कहे कि आपको सुविधाओं को तज के रहना है, धन तो बेकार की चीज है, बिल्कुल ऐसा मत मानिए उसकी बात। धन कमाना कहीं से बुरा नहीं है, लेकिन जब हमारे पास उतना धन हो जाए कि हम वो कबीरदास जी का एक दोहा है ना कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो जब आपके पास अपनी जरूरतें, मैंने ख्वाहिश नहीं कहा, जरूरतें पूरी करने लायक धन हो जाए और उससे अधिक बचे, तो ये मान के चलिए कि वो धन आपके पास तो है लेकिन आपका नहीं है। आप उसके रखवाले जरूर हैं,
और जब ये धन बढ़ने लगे आपके किए हुए कर्मों के चलते, ईश कृपा के चलते, साईं कृपा के चलते, तो उस धन से धर्म कमाना शुरू करिए। क्योंकि भूखे पेट कभी कोई धर्म कमा नहीं सकता। जो भूखे पेट रहता है उसका ध्यान हमेशा भूख की ओर रहता है। आज बहुत पवित्र दिवस है, आषाढ़ी एकादशी है, देव पोढ़ी एकादशी भी कहते हैं इसको, आषाढ़ी भी कहते हैं, तमिल में इसको टीलो एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु सृष्टि का भार संभालते संभालते, कामकाज देखते देखते थक जाते हैं, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी उनसे कहती हैं कि बहुत काम हो गया, अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, उनका कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो उनका आराम भी छोटा नहीं होता, वो 4 महीने का आराम होता है उनका। 4 महीने बाद कार्तिकी एकादशी के दिन, जिस दिन हम उसको देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं, तुलसी विवाह भी उसी दिन होता है, तब भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। यूं माना जाता है कि जब देव सो रहे हों तो शुभ कार्य वर्ज्य होते हैं, नहीं किए जाना चाहिए, यह मान्यता है। उसके पीछे बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं समझ में आया कि इन दिनों में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाना चाहिए। जहां तक मन का और विश्वास का प्रश्न है, ऐसा लगता है कि जब भी हम अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने भगवान का, अपने सद्गुरु का नाम लेकर कोई भी कार्य अच्छी नीयत से कभी भी करें, वो हमेशा शुभ होता है। उसमें कभी चौघड़िए का दोष नहीं लगता, कभी मुहूर्त का दोष नहीं लगता, कभी कोई अशुभ शुभ का चक्कर नहीं होता। लेकिन मान्यता है, मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। सब्र का फल मीठा होता है। अगर 4 महीने किसी काम के लिए इंतजार भी कर लिया तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। लेकिन हकीकत यह है कि भगवान विष्णु जो है वो सोते नहीं है, सिर्फ उनकी लीला का एक हिस्सा होता है। देव कभी सोते नहीं है। देव सो जाएंगे तो दानव भारी पड़ जाएंगे। बिल्कुल हमारे मन की तरह होता है। जब हमारे मन में हम अपने सद विचारों को सुला देते हैं तो बुरे विचार हावी हो जाते हैं। तो अपने मन में आप कभी किसी दैवीय भाव को, देव भाव को सोने ना दें। अगर वो सो जाएंगे तो मन में अनूठे अनूठे बड़े खराब से विचार आने लगेंगे। मन में द्वंद्व हमेशा चलता रहता है अच्छे और बुरे के बीच में। साधारणतः हम जब अच्छे विचारों को बल देते हैं तो हमसे अच्छे कार्य होते हैं, और जब हम बुरे विचारों को बल देते हैं तो हमसे बुरे कार्य होते हैं। बल ऊर्जा देने वाली बात है, तो ऊर्जा अच्छे विचारों को दीजिए और
अच्छे विचारों को ऊर्जा देने के लिए हमेशा सदगुरु का हाथ अपने हाथ में होना चाहिए। इसीलिए 4 महीने चतुर्मास जिनको हम कहते हैं, इनमें कमोबेश सारे ही त्योहार, हमारे मुख्य त्योहार इन 4 महीनों में ही पड़ते हैं, ताकि हम उन्हें इन 4 महीनों को ईश्वर के नाम स्मरण के साथ गुजारें, मन में उत्सव और उल्लास का वातावरण रहे और शुभ कार्यों की जो हमने अपने ऊपर रोक लगाई हुई है उनके चलते मन में कोई हताशा डिप्रेशन का भाव ना आए। बहुत व्यवहारिक रूप से हमारा ये कैलेंडर बना हुआ है, सोच बनी हुई है, बहुत अच्छी सोच लेकर के हमारे यहाँ दिशा निर्देशों का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इन्हीं रीति रिवाजों को, मान्यताओं को हम अपने मन में इतना गहरे बिठा लेते हैं कि कभी कभी हम में अंधविश्वास घर कर जाता है और अंधविश्वास का इलाज किसी के पास नहीं होता। इसीलिए ईश्वर ने एक सेतु दिया है हमें जीवन में, वो विश्वास का सेतु होता है जिसको हम सदगुरु कहते हैं, जो हाथ पकड़े पकड़े चलता है। सदगुरु का अर्थ ये नहीं होता कि वो सत्य है, बल्कि सदगुरु वो होता है, नंबर एक, जिसने अपने अंदर के सत्य को जागृत कर लिया है, और नंबर दो, जिसने ये ठान लिया है कि जिसके अंदर शिष्यत्व का भाव पैदा हो जाए मैं उसको सत्य की राह पर लिए चलूंगा। ये सदगुरु होता है। कोई बहुत अनूठी या गहरी परिभाषा या समझ की जरूरत नहीं है। आज के दिन पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है, हजारों हजार लोग या लाखों लोग भी, जिनको हम वारकरी कहते हैं वहां की भाषा में, जो तीर्थयात्री होते हैं उनको, वो जत्थे के जत्थे आज की एकादशी के दिन भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। बड़ा अद्भुत संयोग पिछले महीने इस कथा के साथ हुआ था। शिरडी में कथा थी, स्थान कोई और निश्चित हुआ था, स्थल कथा स्थल, लेकिन कुछ संयोग ऐसे बैठे कि एक पुरातन रुक्मिणी विट्ठल मंदिर के प्रांगण में ये कथा संपन्न हुई। बिल्कुल जैसे यहां साईनाथ महाराज बैठे हैं और बहुत सारे देवी देवता यहां पर मौजूद हैं, वैसे ही शिरडी में एक भगवान पंढरीनाथ का मंदिर है। कल कथा प्रारंभ होनी थी और आज रात को 8 बजे स्थान निश्चित हुआ। कैथल, सोनीपत और नोएडा के कई साई भक्त आए थे और उनकी इच्छा थी कि शिरडी की पावन धरती पर यह कथा संपन्न हो। कथा संपन्न हुई। बाद में जब शिरडी के रहवासियों से बातचीत हुई तो ये ज्ञात हुआ कि उसी पंढरीनाथ विट्ठल मंदिर के स्थान पर दासगणु महाराज ने भी कई दफे बाबा की बातें लोगों से की हैं। चीजें आप जैसा सोचते हैं वैसी नहीं होती, लेकिन
जैसा आप नहीं सोचते और चीजें होती हैं वो कई बार बहुत अद्भुत हो जाती हैं। तो इसलिए जो चीज होती है होने दीजिए, हम अपना कर्म करते रहे उसमें मनाही नहीं है, लेकिन तमाम कर्म करने के बावजूद भी परिणाम कुछ और आता है तो उसमें उसकी मर्जी मानी है। बहुत अद्भुत सोच है उसकी। पंडरपुर का और शिरडी का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा रिश्ता है। बाबा जब सशरीर थे तो गौली बुआ नाम के एक वयोवृद्ध वारकरी थे, तीर्थयात्री थे, जो हर वर्ष वारी लेकर के, तीर्थयात्रा लेकर के पंडरपुर जाते थे। और पंडरपुर जाने के रास्ते में वो साईं बाबा के दर्शन करने रुक जाते थे। उनका मानना था कि बाबा ही स्वयं विट्ठल हैं। एक और इस रिश्ते की कथा आती है भगवंत राव क्षीर सागर नाम के भक्त की। भगवंत राव क्षीर सागर के पिता पंडरीनाथ की बहुत पूजा सेवा किया करते थे। वो गुजर गए तो जैसा कि आम तौर पे आजकल के या किसी भी जमाने के नौजवान करते थे कि तुरंत वो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते लेकिन घूम फिर करके आ जाते थे। तो इन्होंने भगवंत राव क्षीर सागर ने पंडरीनाथ की सेवा शुश्रूषा बंद कर दी। कुछ ऐसे संयोग बने कि भगवंत राव क्षीर सागर को शिरडी आना पड़ा और जब वो बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा ने वहां मौजूद भक्तों से इनकी ओर इशारा करके कहा कि इनके पिता ने मेरी बड़ी सेवा की है लेकिन ये मुझे भूल गया। भगवंत राव क्षीर सागर को तब भास हुआ कि भगवान पंडरीनाथ और बाबा में भी बहुत गहरा संबंध है। ये जो ग्रंथ हमारे सामने है इसके लेखक दाभोलकर जी तब स्वर्ग सिधार गए जब आखिरी उपसंहार यानी कंक्लूजन इसका लिखना रह गया था। तब दहानू जो कि बंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है उसके मामलतदार श्री बी वी देव ने इसका अंतिम चैप्टर लिखा और उन्होंने अनुसंधान किया कि शिरडी जो है वो पंढरपुर की परिधि में आता है, दोनों का सीधा सीधा मेल है। एक और अद्भुत संयोग किस्सा आता है। दासगणु महाराज को ये प्रेरणा हुई कि शिरडी में भगवत नाम स्मरण सप्ताह किया जाना चाहिए। उन्होंने भगवत नाम स्मरण सप्ताह के लिए बाबा से अनुमति चाही, बाबा ने अनुमति दे दी, लेकिन दासगणु महाराज थोड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, समझदार थे। उन्होंने बाबा के सामने शर्त रख दी कि बाबा मैं नाम सप्ताह तो करूंगा, नाम कीर्तन सप्ताह तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कीर्तन समाप्त होने पर विट्ठल स्वयं प्रकट होने चाहिए। बाबा ने कहा मैं अपनी छाती पर हाथ रख के कहता हूं कि सप्ताह समाप्त होते होते विट्ठल स्वयं प्रकट होंगे। अब देखिए विट्ठल कैसे प्रकट हुए। बाबा ने कहा विट्ठल प्रकट होंगे लेकिन विट्ठल बहुत चंचल हैं, अगर वो प्रकट हो जाएं तो उनके पैर पकड़ लेना, उन्हें जाने मत देना। सप्ताह समाप्ति की ओर था, वाड़े में काका साहब दीक्षित ध्यान में बैठे थे और उनके ध्यान में विट्ठल प्रकट हुए।
दासगणु महाराज कैसे माने कि विट्ठल प्रकट उनके सपने में या ध्यान में जो हुए हैं वो वाकई में प्रकट हुए हैं? कोई कह भी सकता है किसी के प्रभाव में आकर के भाई मैंने विट्ठल को देखा। तो बाबा कोई भी काम कोई भी सिरा अधूरा नहीं छोड़ते थे। काका साहब दीक्षित का यह कहना हुआ मस्जिद में, दासगणु भी वहां पर थे, लेकिन दासगणु के मन में संशय उत्पन्न हो रहा था। काका साहब दीक्षित ने बाबा को यह किस्सा सुनाया। बाबा ने काका साहब दीक्षित से कहा, जाओ बाहर जाओ, तुम्हारे विट्ठल आए हैं। देखा तो एक दुकानदार, जो मोबाइल शॉप्स उस जमाने में ऐसी नहीं होती थी कि कार या मोटरसाइकिल में आ जाते थे, चलता फिरता हुआ दुकानदार अपने कंधे पर विट्ठल के उसी स्वरूप के कोई 20-25 चित्र लेकर के द्वारका माई के सामने से बेचने के लिए गुजर रहा था। दासगणु महाराज की शंका का समाधान भी हो गया, विट्ठल प्रकट हुए। लोग कहते हैं इस कथा में साईं से उनका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार उसी का होता है जो अपने भावों से साईं को बुलाता है। पंढरपुर का एक और कनेक्शन बाबा का, नाना साहब चांदोरकर जो कि मजिस्ट्रेट लेवल के राजस्व अधिकारी थे, उनका तबादला जलगांव से पंढरपुर हो गया। उनको इसकी सूचना मिली और वो सामान बांध करके जलगांव से पंढरपुर के लिए निकले। रास्ते में शिरडी पड़ता ही था, बाबा के वो अनन्य भक्त थे, उनको जाना ही था। उन्होंने कहा, बाबा को मैं ये खुशखबरी देते हुए जाऊंगा कि इतनी पवित्र जगह पर मेरा तबादला हो गया है। वो मस्जिद से काफी दूर होंगे कि यहां मस्जिद में बाबा ने अपने साथ बैठे अप्पा जोगले और काशीनाथ शिंपी, ये दोनों भक्त मालसापति के मित्र थे, और तीसरे भक्त मालसापति, ये चार लोग मस्जिद में थे। बाबा ने कहा, आज पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा हो रही है, मुझे पंढरपुर में जाना है, वहीं पर मुझको रहना है। ये गाते हुए बाबा ने भजन इन तीनों के साथ प्रारंभ कर दिया। पंढरपुर ला जाए चाहते पंढरपुर ला जाया थे तिथस मजला राय थे, पंढरपुर ला जाए थे तिथस मजला राय थे, पंढरपुर ला जाए थे तिथस मजला राय थे, अरे पंढरपुर ला जाया थे तिथस मजला राय थे, पंढरपुर ला जाए थे तिथस मजला राय। विठला विठला पांडुरंग विठला, विठला विठला पांडुरंग विठला, विठला विठला पांडुरंग विठला, विठला विठला पांडुरंग विठला, श्री हरि श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल 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 श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। और अभी ये भजन चल ही रहा था कि पंढरपुर में जाना है, वहीं पर मुझको रहना है, और नाना साहब चांदोरकर मस्जिद में आए बाबा को बताने कि मैं
पंडरपुर जा रहा हूँ, मेरा तबादला हो गया है। बाबा कुछ बोलें ना बोलें, उनके पड़ोस में बैठे ये तीनों बोल पड़े कि आप पंडरपुर जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे, बाबा तो पंडरपुर पहुँच गए हैं। ये कनेक्शन होता है। आप जिस रूप में साईं को देखते हैं, साईं उसी रूप में आपको मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो कफनी पहने होंगे, फटी कफनी पहने मिल जाएंगे आपको, कोई सिर पे साफा बांधा होगा, दाढ़ी बढ़ी हुई होगी, ऐसा नहीं। आप उनको जिस रूप में जब जहां मिलना चाहेंगे वो आपको उसी रूप में वैसे ही मिलेंगे, प्रकट होंगे। लेकिन साईं भी बहुत चंचल हैं, उनको जाने मत दीजिएगा, पहचान जरूर बना लीजिएगा उनकी। क्योंकि अगर एक बार आपने उनको छिटक जाने दिया तो क्या पता दोबारा कब मिले। इसलिए मन के दरवाजे खुले रखिएगा। कल हमने बात की थी शुरुआत गुरुस्थान की। गुरुस्थान पे हमारा कल उसका हमने भौतिक स्वरूप देखा। आज कोशिश करेंगे थोड़ी सी इस यात्रा को और गहरे ले जाने की। हम में से शिर्डी कितने लोग बाबा की कृपा से पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और हम में से कितनों ने वहां गुरु स्थान के दर्शन किए हैं, कमोबेश सभी ने किए। जो गुरुस्थान है वो जमीन से कितनी सीढ़ियां चढ़ने पर मिलता है ऊपर, गुरुस्थान पे चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं। कितनी कितनी वहां दो सीढ़ियां हैं, बिल्कुल ठीक है, दो सीढ़ियां। उन दो सीढ़ियों का बड़ा महत्व है। पहली सीढ़ी जो है वो श्रद्धा पैदा करती है और दूसरी सीढ़ी सब्र पैदा करती है। आप जब पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, यानी आप जब सद्गुरु को पाने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं, तो सद्गुरु क्या करता है? सद्गुरु आपका विश्वास प्रबल करता है। और हम आम इंसानों का विश्वास कैसे प्रबल होता है? क्योंकि हमारे पास जो बुद्धि होती है वो महत्व बुद्धि होती है। किसी चीज में जब हम महत्व नहीं मिलता, किसी कोई चीज का हमको महत्व समझ में नहीं आता, तो हमारी बुद्धि उस ओर जाती नहीं है। महत्व बुद्धि की जो प्यास होती है वो चमत्कारों से बुझती है। इसीलिए पहली सीढ़ी पर जब आप पांव बढ़ाते हैं तो आपको चमत्कारों का एहसास होने लगता है। जब आपको चमत्कारों का एहसास होने लगता है तो आपके अंदर भक्ति भाव जागृत होता है। और जब भक्ति भाव जागृत होता है और परिपक्व होता है तो वो बन जाती है श्रद्धा। चमत्कार और कुछ नहीं है, भक्त और भगवान को जोड़ने वाली पहली कड़ी है। हमने कल भी एक छोटा सा वाक्य बोला था जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयुक्त करते हैं, चमत्कार को नमस्कार।
जब तक हम चमत्कार नहीं देखते हम कहीं सर नहीं झुकाते। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही हमको चमत्कारों का एहसास होने लगता है। चमत्कार क्या होते हैं, किनको हम चमत्कार कहते हैं? हमारे वो सहज कार्य जो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में होते हैं वो चमत्कार नहीं होते। लेकिन जब हम भली बात ही जानते हैं कि किसी वस्तु को पाना है, किसी चीज को हासिल करना है, और वो हमारी सहज शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से परे है, लेकिन फिर भी हम उसकी इच्छा करते हैं और वो चीज हमको मिल जाती है, हम तब उसको चमत्कार कहते हैं। क्योंकि हम अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे जाकर के कोई चीज मांगते हैं तो हम उस शक्ति को चुनौती देते हैं, और जब हम उस शक्ति को चुनौती देते हैं तो वो शक्ति जिसकी क्षमताएं हमारी क्षमताओं से कहीं अधिक हैं, जहां हमारी क्षमताएं पूरी हो जाती हैं, वहां पर उस शक्ति की क्षमताएं शुरू होती हैं। तो ये जब चुनौती मिलती है तो वो शक्ति आपके लिए असंभव को संभव बना देती है, और तब हमको ऐसा लगता है कि ये जो हमको मिला है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जैसे ही वो चीज जो आपने कभी सोची थी वो आपको मिलने लगती है, और उसके बाद आपकी भूख बढ़ती जाती है, आप बहुत कुछ मांगने लगते हैं, और वो शक्ति भी प्रेमवश, क्योंकि उसको आपको ऊपर खींचना है, वो आपको वो सब कुछ देने लगती है जो आप मांगते हैं। ये चमत्कार हो जाते हैं। चमत्कारों में हमारी महत्व बुद्धि लग जाती है, महत्व बुद्धि लग जाती है तो भक्ति पैदा होती है। बहुत साधारण किस्म की भक्ति होती है, शुरुआत में हार फूल चढ़ा देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, वस्त्र चढ़ा देंगे, थोड़ी और हमारी जेब भारी होती है तो फिर हम हीरे जवाहरात चढ़ाने लगते हैं, फूलों का श्रृंगार कराने लगते हैं, और बढ़ती है तो हम पूरे मंदिर का निर्माण करा के श्रेय लेने लगते हैं। भूल जाते हैं कि ये सब कुछ उसी चमत्कार के कारण संभव हुआ है जो पहले से शुरुआत हुई है हमारे साथ। चमत्कार चमत्कारों के बाद फिर चमत्कार, फिर चमत्कार, फिर चमत्कार होते जाते। नहीं तो हम तो क्या थे, कुछ भी नहीं थे। धीरे धीरे वो भक्ति अलग अलग स्वरूप लेने लगती है। भक्ति हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, एक होती है सगुण साकार, एक होती है निर्गुण निराकार। सगुण साकार भक्ति बहुत आसान होती है, क्योंकि हम लोगों के पास भी एक शरीर है, दो हाथ दो पैर, सर आंखें नाक कान त्वचा। हम लोग भगवान को उसी स्वरूप में देख करके उनके साथ कनेक्शन जल्दी बिठा लेते हैं, इसीलिए सगुण साकार भक्ति का मार्ग बहुत आसान होता है। निर्गुण निराकार भक्ति मुश्किल होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्वरूप नहीं होता हमारे सामने। हम शून्य को
पूछते हैं। शून्य यानि सिफर, जीरो वाला शून्य नहीं, जहां कुछ नहीं होता वहां शून्य होता है। उस प्रकार से भक्ति करना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा ने सगुण और निराकार दोनों प्रकार की भक्ति में भक्तों का साथ दिया। क्योंकि सगुण साकार भक्ति आसान होती है, ऐसे बहुत सारे इसमें किस्से आते हैं। जब हम देखते हैं कि बाबा ने अपने चित्र को पूजने की छूट दी, बाबा ने किसी और साकार रूप में पूजने की छूट दी, मूर्ति पूजने की छूट दी। बालाबुआ सुतार नाम के एक धार्मिक व्यक्ति थे, गायक थे, दोहे छंद गाते थे। उन्हें उस जमाने में आधुनिक तुकाराम कहा जाता था। वो 1916 में शिरडी आए, उन्होंने बाबा को नमस्कार किया। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उनकी पहचान बाबा से कराई। बाबा ने कहा, इसे तो मैं 4 साल से जानता हूं। तब जाकर के बाला बुआ सुतार को याद आया कि कुछ इतने ही सालों पहले उन्होंने राह चलते हुए किसी दुकान पर लगे हुए बाबा के चित्र को प्रणाम किया था। हिमाड पंत, जो कि इस ग्रंथ के लेखक हैं, उनको होली के दिन बाबा ने सपना दिया कि मैं कल तुम्हारे यहां दोपहर का भोजन करने आ रहा हूं। बाबा ने स्वप्न दिया तो उनकी बात झूठ तो नहीं हो सकती। पत्तले बिछा दी गई, उसके अंदर भोजन परोस दिया गया, बाबा के लिए जगह खाली छोड़ दी गई, भोजन का समय निकलने लगा। समय निकल गया, इनको हताशा होने लगी कि शायद मैंने कुछ गलत समझा है। उन्होंने उपस्थित व्यक्तियों से भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह करने को हुए थे कि अचानक उनको अपनी सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। दरवाजे पर आहट हुई, दरवाजा खोला तो देखा एक समाचार पत्र में लिपटा हुआ एक चित्र था, जिसको 2 व्यक्ति लेकर के हिमाड पंत के पास आए थे। वो 2 व्यक्ति थे, अली मोहम्मद और इस्मू मुजावर। हिमाड पंत ने उनसे प्रश्न किया कि ये आप कैसे आना हुआ और क्या लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा, ये साईं बाबा की तस्वीर है और ये तस्वीर यहां कैसे पहुंची, ये हम कभी आपको अगली बार मिलेंगे तो बताएंगे, फिलहाल तो आप इस तस्वीर को संभालिए। बाबा ने अपना वादा पूरा किया था।